नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी जेई के बारे में। दोस्तों अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो तो दोस्तों इस एग्जाम के बारे में जान लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि डिप्लोमा वालों के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम होता है और बीटेक वालों के लिए भी हम कह सकते हैं सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि दोस्तों ये हर साल एग्जाम होता है। और दोस्तों अगर कोई बंदा मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, ये तीन ब्रांच के लिए ही होता है, अगर आप मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, तो दोस्तों आप इस एग्जाम को अपनी लाइफ में अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो तो जरूर इसकी तैयारी करना या जरूर इस एग्जाम को देना। और मोस्टली जितने भी बच्चे डिप्लोमा करते हैं वो इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तो जरूर करते हैं। तो दोस्तों इस एग्जाम को हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि इसके कितने पेपर होते हैं, कट ऑफ कितनी जाती है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। एग्जाम प्रोसेस क्या होता है, क्या इसमें इंटरव्यू होता है या नहीं, और दोस्तों इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यार एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो इंजीनियरिंग से रिलेटेड अपलोड करता हूँ जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं किसके कितने पेपर होते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को टारगेट बनाने से पहले ये पता होना चाहिए कि उसके कितने पेपर हैं और क्या इसमें इंटरव्यू है या नहीं, क्योंकि बच्चे इंटरव्यू से बहुत डरते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इंटरव्यू फोबिया है आपके अंदर तो दोस्तों ये एग्जाम आपके लिए फिर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। एक टाइम पर होता था लेकिन अभी इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। एसएससी जेई में सिर्फ दो पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। अब दोस्तों दोनों पेपर थोड़े डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट कैसे, पेपर वन जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, मतलब ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पर, और दोस्तों जो दूसरा पेपर होता है इसका वो होता है डिस्क्रिप्टिव या हम कह सकते हैं रिटिन पेपर होता है। अब दोनों में दोस्तों सिलेबस भी अलग अलग आता है, मतलब आप अगर पेपर वन की बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पर पेपर वन की बात कर लूँ दोस्तों, तो पेपर वन वैसे 200 मार्क्स का होता है, ठीक है, 200 मार्क्स का होता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, 100 मार्क्स का तो वो होता है जो आपने डिप्लोमा में पढ़ा है, मतलब अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल से 100 नंबर का आपसे पूछा जाता है। अब बचा हुआ 100 नंबर वो क्या आता है, वो भी आपका ये भी क्वेश्चन है ना कि अगर 100 नंबर का टेक्निकल जो हम डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं वो आता है तो 100 नंबर का क्या आता है। तो भाई 100 नंबर का बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि आपकी मैकेनिकल से बहुत अलग आता है 100 नंबर की। भाई 50 नंबर का तो आता है रीजनिंग, आपने रीजनिंग के बारे में बहुत सुना होगा। अगर हो सकता है अगर अभी आप डिप्लोमा कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आपने रीजनिंग आपने अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आप अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपने रीजनिंग पढ़ी होगी। और रीजनिंग दोस्तों ये स्कोरिंग होता है, यहाँ पर अगर आप बात करो बच्चे 50 में से कम 45 नंबर ले आते हैं रीजनिंग में, मतलब रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है या रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन होता है आप एसएससी जेई में कह सकते हो कि जो कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट स्कोरिंग पोर्शन होता है, मतलब 50 में से 45 नंबर अगर आप लेके आ रहे हो और नॉर्मली ले आओगे, अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे रीजनिंग में तो आप 50 में से 45 नंबर आराम से रीजनिंग के अंदर लेके आ रहे होंगे। लेकिन भाई जो 50, देखो 100 नंबर का टेक्निकल, 50 नंबर की रीजनिंग, 150 नंबर ये हो गई, अभी 50 नंबर का क्या आता है, तो भाई 50 नंबर की आती है जनरल अवेयरनेस। भाई यहाँ पर अगर आप 50 में से 30 नंबर भी ले आए ना तो आप समझ लेना बहुत ज़्यादा आपने तैयारी की है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो जनरल अवेयरनेस कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। जनरल अवेयरनेस क्या होता है, देखो जनरल अवेयरनेस में आपकी हिस्ट्री, आपने 6 से लेकर 10th तक तो पढ़ी होगी, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, आपकी पॉलिटी आती है, इंडियन पॉलिटी जो आपने 9th, 10th या 6th, 7th में सिविक्स के नाम से पढ़ा होगा, तो आपकी इंडियन पॉलिटी, देखो आप सब्जेक्ट गिनना 50 नंबर में कितने सब्जेक्ट आते हैं, आपकी हिस्ट्री आती है, आपकी ज्योग्राफी आती है, आपकी इंडियन पॉलिटी आती है, और दोस्तों आपकी फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं, आपके केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, आपके स्टैटिक जीके से। अब स्टैटिक जीके क्या होती है अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, स्टैटिक जीके ऐसी होती है, वो जीके जो कि स्टैटिक है, जो कि चेंज ना हो, एक तो जीके चेंज होती है टाइम के अनुसार, एक जीके जैसे कि अगर ताजमहल, ये तो मतलब एक बहुत बच्चों वाला सवाल है कि ताजमहल कहाँ है, तो वो तो सब पता होगा कि आगरा में, अब आगरा में ताजमहल है तो वो ताजमहल आगरा में ही रहेगा, तो ये हो गई स्टैटिक। और जो जीके चेंज हो सकती है टाइम के अनुसार वो होती है दोस्तों, उसको हम हिस्ट्री वगैरह में या अलग से वैसे पढ़ते हैं, उसको हम स्टैटिक जीके या
हम उसे करंट अफेयर में पढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे बहुत सारे रिवर्स से क्वेश्चन आते हैं, डैम से क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों आप, मैंने क्या बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जी के करंट अफेयर, मतलब कि आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे 50 नंबर में। और दोस्तों हिस्ट्री देखो, आप कितनी भी पढ़ लो यार, अब आप यूपीएससी की तैयारी तो कर नहीं रहे हो कि पूरा एक मोटी सी बुक लेके आओगे और उसी में लगे हुए हो, खाली आपको हिस्ट्री पढ़नी है। आपको यार 50 नंबर के लिए 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर आप करंट अफेयर की बात करोगे, करंट अफेयर में वो होता है कि यार हमारे डेली में क्या हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है या कहाँ पर क्या हो रहा है, कोई साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, मतलब ये सब करंट अफेयर में आता है, कौन सी जो समिट वगैरह होती हैं। तो दोस्तों ये कम से कम 6 महीने की, लास्ट 6 महीने की आपको पता होनी चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ी बात है भाई यार, इतना सब कुछ प्रिपेयर करना। तो यहाँ पर दोस्तों 50 में से 30 नंबर लाना कैंडिडेट के लिए भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पेपर बन की बात हो गई। देखो 100 नंबर को तो आएगा आपका टेक्निकल, जिसमें आपकी अगर अच्छी कमांड है तो कम से कम 80-90 आप स्कोर कर रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों जो पेपर आपका 100 नंबर का टेक्निकल, 50 नंबर की रीजनिंग, जिसमें से आप कम से कम 45 नंबर तो ला रहे होंगे अगर आपने अच्छे से मेहनत की है। और अगर आप आ गए जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस में दोस्तों आप कम से कम अगर 30 नंबर भी ले आओ तो बहुत है। देखो अगर आप 90 नंबर टेक्निकल में ले आते हो और अगर 45 नंबर आप यहाँ ले जाते हो रीजनिंग में, तो 135 हो गए। और दोस्तों अगर आप 30 नंबर आपके जनरल अवेयरनेस में आ जाते हैं तो 175 हो गए। लेकिन दोस्तों इतने नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। टेक्निकल में 100 में से 90 नंबर नहीं आते हैं मोस्टली बच्चों के। बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है या मतलब पढ़ने में अच्छे हो आप, तो दोस्तों हो सकता है, लेकिन 80 नंबर आ जाते हैं। अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें तो भाई कट ऑफ अभी बहुत बढ़ गई है। एक टाइम वो था जो 125 जाती थी, 120 जाती थी, अभी इसकी अगर मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ बात करूं तो 145 टू 150 गई है। मतलब आप अगर अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में हो तो आप सोच के चलिए कि आपको कम से कम 160 नंबर का टारगेट बना के लेके चलिए, कि अगर आपको एसएससी जेई का पेपर 1 क्वालिफाई करना है तो 160 नंबर का अपना एम रखिए, 160-165। उस हिसाब से देखिए कि आपको टेक्निकल में कितना स्कोर करना है, रीजनिंग में कितना स्कोर करना है, मतलब किस सब्जेक्ट में, किस पोर्शन में कितना स्कोर करना है। तो ये पेपर 1 हो गया जो कि 200 मार्क्स का होता है। और दोस्तों अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 120 मिनट आपको मिलती हैं, मतलब 2 घंटे आपको मिलते हैं। उसके बाद पेपर 2 की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका जो पेपर 2 होता है। और देखो पेपर 1 में एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है, पेपर 1 में। और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो और 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ख्याल रखना होगा, आपकी जैसे कि एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 आपके कट जाएंगे। एक क्वेश्चन पर 0.25, एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 नंबर आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। उसके बाद पेपर 2 की बात कर लूँ जो कि डिस्क्रिप्टिव है दोस्तों, ना इसमें रीजनिंग आती है, ना इसमें मैथ आता है, ना इसमें जनरल अवेयरनेस। इसमें आते हैं दोस्तों आपके टेक्निकल से, और मोस्टली दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और आपको मतलब लिखना होता है। जैसे आप बोर्ड एग्जाम देते हो अपने डिप्लोमा के अंदर, अपने बीटेक के अंदर, तो दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना होता है। आपको कॉपी पेंसिल, आपको कॉपी दिया जाता है, पेन दिया जाता है, एक पेपर होता है, उसके आंसर लिखने होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं। तो दोस्तों आपको पेपर 1 में न्यूमेरिकल, अगर 100 नंबर की टेक्निकल जो आता है पेपर 1 में, उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते, 2-4 न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, थ्योरेटिकल कम आता है, डेरिवेशन भी आते हैं। तो दोस्तों आपको टेक्निकल आपको अच्छा करना होगा। अगर ये टोटल मार्क्स की बात करूँ तो 300 मार्क्स का होता है, और टाइम की बात करूँ तो दोस्तों 2 घंटे का ये पेपर होता है। और दोस्तों हमने कट ऑफ इसकी बात कर ली है, कट ऑफ इसकी लास्ट ईयर की हमने बात कर ली है। और अब हम दोस्तों बात में कुछ अगर एक बात बताने चाहता हूँ, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, देखो बीटेक वाले, अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आप समझ जाओगे। देखो अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि डिप्लोमा में नहीं होते, जो आप बीटेक में पढ़ते हो, जो कि एसएससी जेई में आते हैं। तो दोस्तों अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो ना, तो मैं कुछ सब्जेक्ट के नाम बताता हूँ जिनको आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, जैसे हीट एंड मास ट्रांसफर। अभी हीट एंड मास ट्रांसफर आप डिप्लोमा अगर मैकेनिकल से हो, मैं ये मैकेनिकल वालों के लिए बता रहा हूँ,
अगर आप मैकेनिकल से हो तो दोस्तों हीट एंड मास ट्रांसफर आपने सब्जेक्ट का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन बीटेक वाले जानते हैं, बीटेक वालों ने ये अच्छे से पढ़ा है, तो बीटेक वालों के लिए आसान हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ के आ चुके होते हैं। थर्मोडायनामिक्स आप डिप्लोमा में भी पढ़ते हो थर्मल इंजीनियरिंग के नाम से, लेकिन उतनी हाई लेवल की नहीं पढ़ते हो, तो आपको थर्मल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से करनी होगी, अपनी अच्छे से पढ़नी होगी। तो दोस्तों ये इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे तैयारी करें, और दोस्तों अभी मेरी एक न्यू वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको डिप्लोमा की कौन कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हो तो कौन कौन सी बुक हैं जो आपको परचेज करनी चाहिए, खरीदनी चाहिए, और दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप जो कंपटीशन के लिए बुक आती हैं उनके बारे में बताऊंगा, उनके राइटर के बारे में बताऊंगा, बेस्ट राइटर के बारे में बताऊंगा आपको। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये बुक मैं आपको ऐसे ही रिकमेंड नहीं कर रहा, ये मैंने खुद ने पढ़ी है, मतलब मैंने इनको पढ़ के एक एग्ज़ाम निकाला है, अभी मैं उस एग्ज़ाम के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, जब उसका मतलब अभी मेरा रिटेन है, रिटेन क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर उस पर एक बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बनाएंगे, फुल डिस्कशन करेंगे। अभी दोस्तों आप ये स्क्रीनशॉट साइड में एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, ये दोस्तों एग्ज़ाम अभी कौन सा एग्ज़ाम है, क्या एग्ज़ाम है, ये अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये टाइम आने पर जब मेरा रिटेन पेपर है, आप देख रहे होंगे इसमें मेरा जो CBT 1 था वो क्लियर हो गया, अभी मुझे रिटेन देने जाना है, जब मेरा रिटेन वो क्वालिफाई हो जाएगा देन फिर हम इस पर बात करेंगे, और नहीं होगा तो फिर भाई कोई बात ही नहीं है, अभी मेहनत कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए दोस्तों वीडियो में टाइम से अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप समझ रहे होंगे ये बुक्स को ही मैंने फॉलो किया था, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आने वाली वीडियो में मतलब। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो थम्सअप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।